अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है, कल मंडे है। अब संडे को मेरी तबीयत खराब हो गई है। तबीयत बहुत नासाज है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, गला ख़राब है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कल क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, आज कल से काम हो रही है। हालत सारी रात जागा हूँ मैं, तकरीबन 7:30 बजे सुबह सोया हूँ मैं, और इस सारी चीज़ों में मैंने बारिश मिस कर दी। बारिश की गनगरज इतनी तेज थी कि मेरी नींद बारिश की गनगरज से खुली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ख्वाब में कुछ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन वाकई बार जबरदस्त बारिश हुई, उठा हूँ तो पता चला जल थल हुआ है सारा। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, जुड़े रहिएगा। मेरी मम्मी को क्यारी का बहुत शौक है, तो बाहर उन्होंने मुख्तलिफ बनवा के पौधे लगाए हैं, मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। अब ये जो पौधा है वो आई थिंक मोतिया है, सीजनल होते हैं मुझे नहीं मालूम इसका। ये पता नहीं गुलाब है, थे नहीं गुलाब नहीं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। ये करी पत्ता है, ये पुदीना, जो कि हमारे घर में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बाकायदा अपने खानों के लिए, क्योंकि खाने वगैरह में भी डालने के लिए। ये टमाटर है, ये टमाटर मौजूद है, ये है गुलाब, गुलाब ये मनी प्लांट है, ये फूल पट्टी है, ये एलोवेरा, इनके नाम मुझे बता देंगे, इसमें से भी एक टमाटर है। तो मेरी मम्मी को बड़ा शौक है इन चीज़ों का, तो उन्होंने ये रखे हुए हैं यहाँ पे ऊपर छत पे। कार्टून वाली है, कौन सा कार्टून है, कौन सा कार्टून है, हटो दिखाओ मुझे कौन सा कार्टून है। टॉम एंड जेरी है, टॉम कौन सा है इसमें से, कौन सा वाला टॉम कौन सा है, ये दो, ये लो। भाई जितनी भी तबीयत खराब हो, इन लोगों से साथ चिल तो बनता है ना, हाँ बनता है ना, बनता है ना। कल से सौदा की भी स्कूल है, स्कूल है नहीं, हाँ है नहीं है, तो आपकी भी स्कूल है कल, मेरा भी स्कूल है कल, कल बारिश होगी नहीं छुट्टी होगी, कल भी बारिश होगी छुट्टी होगी, कल स्कूल जाएगा सौदा में भी। हाँ तो भाई आज घर पे बनेगा पिज्जा, और पिज्जा का सामान लेने गए थे हम लोग मार्केट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिज्जा में सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च पड़ते डाले जाते हैं, बाकी फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कचौड़ी, बर्गर का क्या काम है उसमें समझ में नहीं आ रहा। ये हम लोग पिज्जा का सामान लेने गए थे, और पिज्जा के सामान में सिर्फ और सिर्फ हमने अभी के खाने का सामान लिया है। जब मैंने पिज्जा का सामान पूछा तो हमारे पास आया क्या, शिमला मिर्च। देखता हूँ शिमला मिर्च से पूरा पिज्जा कैसे बनता है। मेरा दोस्त है, बना दो यार, मेरे साथ व्लॉग में आता है। भाई काम करो, कॉपीराइट लगा दो। दोस्त है तो मेरे बचपन का साथी है, मेरे बहुत दिल के करीब है, तनी क्यों चिर रहा है इतना, वायरल करूंगा मैं इसको, वायरल मैं खुद वायरल हो जाऊंगा। फिर उसके बाद इसको हमारी जुगलबंदी देखना, हमारी जो जुगलबंदी है ना, हमारी जो मस्ती है, वो यही चीज वायरल होगी। डिलीट कराऊंगा तो ये जो मानो लड़ाई है ना, यही देखना वायरल हो। और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये खुद ऐसा ही है। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बचपन का साथी है, मेरा बहनोई भी है, मेरी बहन से शादी की थी इसने, मैंने इसको समझाया था 2-3 दिन पहले शादी था, अभी भी टाइम है, बोल मैं अपनी बहन है, मैं समझा लेगी, नहीं माना। अब देखो यह हाल है, जो बहुत ज्यादा खांसी है, और मेरी बहन कह रही है कि इसको भूल ही अच्छा हो, लेकिन बाथरूम ये गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है मैं पीछे।
ऊंट लगाऊंगा तो समझ जाना कि ये गंदी बातें कर रहा है। तो मेरी बहन ने बोला इसको एक बहुत अच्छे सिरप का पता है, नहीं बता रहा, बोलता चूहे मार की दवा खा लो, ना गला रहेगा ना खांसी रहेगी। ऐसा बंदा, तो बचपन का दोस्त, साथ रहे हम लोग जिंदगी में, 2 साल बड़ा है मुझसे, 3 साल, लेकिन बहुत अच्छा साथ था मेरा इसके साथ, बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा बेहतरीन सपोर्टर, व्लॉग पूरा देखता है, पूरा व्लॉग देखता है, लाइक भी करता है, शेयर भी करता है, लेकिन बस ये हरकतें हैं इसकी। डिलीट तो नहीं, आप चाहो तो रिपोर्ट कर लो मेरा। फाइनली जो है वो पिज्जा के मेन चीज लेने जा रहे हैं, पिज्जा क्रस्ट, पिज्जा की रोटी, आप पिज्जा की रोटी कहते हैं उसे, पिज्जा क्रस्ट कहते हैं, वो खरीदने जा रहा हूँ, 2 लार्ज, कितने की है क्या है कुछ नहीं मालूम, पहली बार लेने जा रहा हूँ, पहली बार घर में पिज्जा बन रहा है, पिज्जा की रोटी ने बड़ा तंग किया हुआ है, 2 डिपार्टमेंटल स्टोर घूम कर आ गया हूँ, कहीं नहीं मिला, अब तीसरे में जा रहा हूँ, तीसरे में घूम, चौथे में घूम, नहीं मिला, तो पिज्जा पार्टी कैंसिल। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, मुझे शॉर्टकट का बड़ा शौक है, तो रास्ते में एक आगा खान ग्राउंड है, वो जबरदस्त, तो शॉर्टकट मार कर निकले हम लोग। इस ग्राउंड में भाई हम लोगों ने बहुत खेला, बचपन से लेकर जवानी तक, उसके बाद फुल स्टॉप, काम में ऐसे गिरे कि फुल स्टॉप लग चुका है, ऐसे कभी कभार एक्सीडेंटली यहाँ से नहीं गुजर जाते हैं, लेकिन अब खेल कूद के लिए नहीं, गुजर गए वो दिन, छोड़ आए हम वो गलियां। ओ ये पानी किसे फेंका? हाँ क्यों बदतमीजी किया? हाँ कान पकड़ूंगा आपके। भाई ये है असली चाय, मुझे ऐसी चाय पसंद है, ये चाय का कलर बहुत अच्छा है। क्या कहते दास, चाय का कलर ये वाला अच्छा है? ये अच्छा ना, ये इसलिए कलर है चाय का। भाई किसकी चाय है ये? मेरी, यानी मेरी है, मेरी चाय है, मेरी है। मना कर रहा हूँ ना आपको मैं, मेरी है और मेरी है, मैं आगे पीऊंगा और बाबा का है। खूबसूरत है यार, कब को दिखाऊं मैं आपको, आई लव माई बाबा। ये सौदा ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी पहली बर्थडे पे, यानी उसके पैदा होने के बाद जो पहली बर्थडे मेरी आई थी उस पर, आई लव माई बाबा, सौदा ने मुझे गिफ्ट किया था। तब से मैं चला रहा हूँ, वो टूट भी गया था लेकिन मैं इसको चेंज नहीं किया, पूरा दिन ये नाटक नहीं हुआ था, अब जाकर हुआ है। क्या हुआ मधु, इधर देख वो ये खिली बदमाश। तो भाई कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इश्क मुश्किल का वक्त हुआ चाहता है, इस ड्रामे पर भी व्यू दूंगा मैं। मोस्ट अवेटेड शो हमारे लिए कॉक स्टूडियो जो है वो आज रिलीज हो रहा है, और पहला गाना उन्होंने सिंधी बनाया, कोई हम खुद सिंधी है तो जरा सुनते हैं। आई गाने का नाम है और 8 मिनट में 1.4K व्यूज आ चुके हैं उस पर, चलो देखते हैं कौन सा गाना है। अगर इश्क मुश्किल की बात की जाए तो इश्क मुर्शिद जो है वो मुझे अब ड्रैग लग रहा है, बहुत ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है। हाँ अच्छी है शिब्रा और शामिर की केमिस्ट्री, लेकिन आप उसको ड्रैग तो ना करें, आप सदाम की तरफ जाएं, आप ड्रैग करें, 40 बार वो यूं करता है और 50 बार वो यूं करती है, तो ये इसमें एपिसोड निकल जाता है, ड्रैग किया जाए बहुत ज्यादा कर रहा है। तुम लोग एज अ क्रिटिक्स देखें तो बहुत ज्यादा, मैं मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे देख रहा हूँ, जैसे जाने जहाँ देख रहा हूँ मैं, और अभी अब्दुल्लापुर का देवता फर्स्ट क्लास ड्रामा 13 किस्तों में खत्म हो गया, और इतना बेहतरीन ड्रामा, और अंजुम शहजाद जो है वो इनके डायरेक्टर को सलाम, बहुत अच्छे तरीके से उसकी एंडिंग की, एंड ऐसा लगता है ना कुछ ड्रामे स्टार्ट ही एंड के लिए होते हैं, तो अब्दुल्लापुर का देवदास जो है वो एंड के लिए स्टार्ट हुआ था, बहुत जबरदस्त एंडिंग थी, और बिलाल अब्बास परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस, तो वो भी तो है ना। आप देखो इश्क मुर्शिद था वो बहुत जबरदस्त चला है इश्क मुर्शिद, लेकिन अभी उन्होंने उसको बहुत ज्यादा डायरेक्ट कर दिया उसके डायरेक्टर ने। हाँ एक और चीज, कॉक स्टूडियो रिलीज हो चुका है, आई गाना अभी मैंने सुना है, 2 बार सुना है, बाबर मंगी मेरा फेवरेट है, और ये जो नुमान अली राजपर है ये बहुत अच्छा सिंगर है सिंधी, और लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं गाने के, सिनेमाटोग्राफी बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, और 14 पे भी जो हमारा था बेहतरीन फिल्म सिनेमाटोग्राफी थी 14 कॉक स्टूडियो में, 15 में उससे बेहतर नजर आ रही है हमें, म्यूजिक बहुत अच्छी थी। हाँ थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा है कन्नायारी जैसा, आई को कन्नायानी से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कन्नायारी का एक
लेवल था, आई अपना एक लेवल है। तो अभी ये फर्दर मैं सुनूंगा गाना और उसके लिरिक्स को ठीक से देखूंगा, और शुक्र है कॉक स्टूडियो आ गया, कुछ तो हमारे प्लेलिस्ट में चेंज आएगा। क्या क्या डाला हमने इसमें? चीज हो गया ये शिमला मिर्च है। अच्छा, और ये मुझे नहीं पता क्या है। अनियन बताऊं भी, और भी कल भी हम पिज्जा बनाएंगे। आपके घर पे दावत है क्या? नहीं। तो फिर रोज रोज पिज्जा बना रहे हो? नहीं, कभी कभी बनाते हैं। तो आज बना रहे हो, कल भी बनाओगे? हाँ, दो बार बनाएंगे, दो बार नहीं बनाएंगे। अच्छा, कल स्कूल जाओगी? हाँ। और अब हम डाले प्याज पूरा, ये चीज डालना बाकी है, तो हम चीज डाल के फिर हमारा पिज्जा बन गया, तो हमने ये खा लिया। देखो ये क्या है सौदा? ये चीज से पूरा, और देखिए फिर से चीज डाल के चीज को खत्म करना है पूरा। और अब हम दिखाते हैं आपको गोल से। दे दो हमें, बता देना आज आपने क्या बनाया। क्या बनाया? हमने आज पिज्जा बनाया, आप बता देना अब आपने क्या बनाया। और आप एवी बना के आपके पिज्जा खा लेंगे अभी? तो पिज्जा खाया हमने, अच्छा बना है। आप बताओ, ये आपका का थम्स है। दानिश आप बता दो, मेरे कैमरा आपकी तरफ नहीं कर रहा। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो देखो क्या लग रहा है ना, मुझे लगी वो सौदा। आप खाओगे पिज्जा? आज मेरा मूड नहीं है। वो कब होता है आपका मूड? रात को था ये बात?